भाई न्यू बरोडा चैप्टर ने ब्रेक कर दिया इंटरनेट, हिला के रख दिया एकदम से। ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है और सबको एकदम से शॉक कर दिया है। आज तक हमने जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स देखे वो अब बच्चे लगने लगेंगे, क्योंकि इस नए चैप्टर में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रिवील हो चुका है। राइट, ओत्सुत्सुकी शिबाई। भाई ये कैरेक्टर लिख के ले लो, बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाला है। एंड में बताऊंगा इसका एग्जिस्टेंस क्यों इतना ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू अमाटो, ओत्सुत्सुकी शिबाई एक ऐसा पर्सन था जिसने चक्रा फ्रूट को एक बार नहीं बल्कि रिपीटेडली कंज्यूम किया। भाई साहब, रिमेम्बर जब कागयो ने एक बार चक्रा फ्रूट को कंज्यूम किया था तो उसे लिटरली गॉड लाइक पावर्स मिली थी। और इस गीगा चेंड ने तो इतने फ्रूट्स दबाए जिसकी वजह से ये खुद हिमसेल्फ एक गॉड लाइक बींग में इन्वॉल्व हो गया। लेटर इन चैप्टर मोमोशी की भी बरोडो के थॉट्स में क्रॉस ओवर करके कंफर्म करता है कि ये अमाटो जो है वो सस्ता नशा नहीं कर रहा और ओत्सुत्सुकी शिबाई रियली एग्जिस्ट करता था। जैसे अमाटो ने कहा था, ओत्सुत्सुकी शिबाई उसकी डेथ को बार बार चीट करते या कार्मिक रेजरेक्शन से एंड चक्रा फ्रूट्स को खाते गया जिसके इफेक्ट ने उसे एक गॉड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये सब अचीव करने के बाद शिबाई ने जो पावर गेन की वो अकॉर्डिंग टू अमाटो कुछ ऐसी थी जैसे सीरीज में जुत्सु परफॉर्म करने के लिए हैंड साइंस करने पड़ते हैं। बट इसका केस अलग था, इसे कोई हैंड साइंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जस्ट लाइक अदर ओत्सुत्सुकी, वो सिर्फ हैंड वेव करके तूफान ला सकता था और उसकी टेक्निक थी फोर्थ थंडर बोल्ट जो कि वो सिर्फ रोर करके कर सकता था। बाद में अमाटो पॉइंट आउट करता है निंजुत्सु जो थे वो सिंपली इम्यूलेशन थे शिबाई के शिनजुत्सु के। अब ये न्यू आया शिनजुत्सु जो कि ना ही निंजुत्सु था ना ही सेज आर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर ओनली ओत्सुत्सुकी शिबाई एक ऐसा ओत्सुत्सुकी था जिसने गॉडहुड को अटेंड किया था एंड अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ के वो किसी अदर डायमेंशन में चला गया था। तो बस यही था अबाउट ओत्सुत्सुकी शिबाई। तो अपने थॉट्स कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो तुम्हें तुम्हारी वाइफों की कसम।